मम्मी जी, तुसी मेरी नवी जुत्ती देखी की? हाँ डब्बे की है। कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ जी, की हो या की सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस मेरे तो समझ नहीं आ रही की हो रहा है। सतीश, आग लगन नाल सब तबाह हो गया है। पैसे भी खत्म हो गए सारे, कुत्तों का अर्धा खर्चा, मेहर स्कूल की फीस, कितों होवेगा सब। तुसी टेंशन ना लो, मैनू फूड का ऑर्डर मिलिया है। पूरा होंदया ही अब्बा मैं दी फीस भर देवांगे। वाहिगुरु जी की कृपा नाल सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ भाई, तेरी गल समझ दा, मैं एसी दे पैसे पहुंचा दूंगा। अच्छा जी, नाले दरबार हॉल च एसी लाने वास्ते बधाइयां जी। चंगा, ओके जी। हाँ जी, गुरतेरा जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी, तो मेरी माड़ी हालत का पता ही है। पिछले महीने फैक्ट्री अग लगन कारण नौकरी भी छुट गई है, नवी नौकरी मैं लभ रहा हाँ। घर का खर्चा बड़ी मुश्किल चल रहा है। अपनी लड़की मेहर दी स्कूल दी फीस भी नहीं भरी है 4 महीने तो। स्कूल लेटर भी आया सी कि फीस भर दो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। मैं नवी जॉब ढूंढ रहा हूँ वीर जी, जो गुरुद्वारा साहब वालों कुछ मदद मिल जाए तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। नौकरी मिलने सार ही मैं गुरुद्वारा साहब के पैसे वापस मोड़ देंगे। वीर जी, थोड़े सामने तो मैं इस तरह गल कर रहा सी, और भी पैसे देने ने, रकम भी ज्यादा है। नलवीर जी, नगर कीर्तन दे दिन जेड़े खान पीन दे स्टॉल लाए सी, ओदे खर्चे भी ते तगड़े सी। गुरसेवक जी, इस महीने तो नहीं हो सकता, अगले महीने देखेंगे। कुछ थोड़ी बहुत मदद हो जाती थे, मुश्किल है वीर जी। ठीक है, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। काश असी इन्हां लई कुछ कर सकदे। हां जी हां जी हां जी, देखदे आं की कर सकदे आं असी तृप्ता भैन जी लई। रब मेहर करे। हां जी, अमितोष बेटा इधर आई जरा। हाँ मम्मा, आया एक मिनट। हाँ जी मम्मा, बोलो। कपड़े सलान नु देने ने तृप्ता भैन जी नु। तृप्ता आंटी जी नु? हाँ जी हाँ, मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ, फिर जाता हो या देके जावा। शाबाश। ओके आंटी जी। पाई अमितोष, खुला दरवाजा, आजा अंदर। हाँ जी आंटी जी। मेहर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। होर दस, मम्मी किदा ने? बस ठीक ना आंटी जी, ये कुछ कपड़े दिते ने सिलान वास्ते। अच्छा मम्मी जी, किन्ने दिन हो गए तुसीने मेरा दूध नहीं दिता? बैठ अभी तो बेटा, मैं पानी लेके आई। नहीं आंटी जी, मैं चलता, मैं थोड़ा काम। अच्छा। है। अच्छा जी, एक मिनट आंटी जी। हाँ जी। ए मम्मी ने तुहानू कुछ एडवांस देने वास्ते कहा सी।
ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰੱਖ ਲਓ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਬੇਟਾ, ਰੱਖ ਲਓ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੋਗੇ ਨਾ? अरे अमित आ गया बेटा तू? हाँ जी मम्मा जी, दे आया कपड़े। अच्छा हाँ, तो मैं रोटी लेके आनी है। ले बेटा रोटी खा ले। गल हुई, रोटी क्यों नहीं खा रहे हैं? की गल हुई? कुछ नहीं, वो की नाम है उन्हां दा? तृप्ता आंटी जी, उन्हां दे घर कोई प्रॉब्लम चल रही है की? तृप्ता बहन जी, हाँ अज सवेरे ही पता चलिया फोन ते, मेहर दे डैडी दी नौकरी भी चली गई है, उपरों खर्च भी नहीं हो पा रहा चंगी तरह, मेहर दी फीस वगैरह। पर तू क्यों पूछ रहे है? नहीं कुछ नहीं बस। हेलो राजवीर, हाँ जब मिलते हैं यार सारे आप, हाँ गार्डन विच बुला ला सबनों। हाँ हाँ कौन आ रहे हूँ? हरसिमरन आ रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अरे तुसी सारे इत्थे की गल हो गई अमितोज, तू सानू इत्थे क्यों बुलाया? एक्चुअली मैं तुहानू अज कुछ पूछना चाहुंदा। हाँ जी पूछो। पूछो तुहानू दसवंध बारे कुछ पता है? हाँ जी, दसवंध सिख विरसे अनुसार सिख दी कमाई दा ओ दसवां हिस्सा है जो ओ गुरु दे नाम ते पेट करदा है। हाँ दर्शना, ए प्रथा साडे गुरु साहिब ने आप आरंभ कीती सी। उदो दसवंध दे रूप विच जो भी अनाज जां माए इकट्ठा होंदा, गुरु साहिब उसनू गरीब ते लोड़वंद लोकां च वंड दिया करदे सन। हाँ जी बहन जी, गुरबाणी च भी इस गल दा जिक्र आउंदा है, लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर के आली। बिल्कुल सही, पर शायद अज असी इस दात नू भुलदे जा रहे हां। अज भी ऐसे कई परिवार ने जिन्हां नू पढ़न लिखन वास्ते अपने घर दा गुजारा करन वास्ते गुरु दे इस दसवंध दी लोड़ है, कि साडा फर्ज नहीं बनदा कि अपनी कमाई दा कुछ हिस्सा उन्हां नू दे के घाल खाए किछ हथों दे नानक राह पछाणे से इस सिद्धांत नू कमा सकीए। सही कह रहे मितोज, जे किसी परिवार नू मदद दी लोड़ है तां असी सारे तेरे नाल हां। क्यों? हाँ जरूर। ठीक है फिर, कल आपा मिलते हाँ। देखो जी, हाँ जी। दरवाजे से कौन है? हाँ जी देख दिया। आओ जी अमितोज बेटा, आज आजो, वो साजिद भी आई है, ओ दर्शना भी आई है, आओ आओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तुझे सारे कठे किधर आ गए इधर बेटा? अंकल जी असी आज गुरु दी बख्शिश कीती हुई सेवा नु निभाउण वास्ते आए हां। केड़ी सेवा बेटा जी? अंकल जी असी सारे एक परिवार वांग, ते परिवार विच किसी नु कोई भी परेशानी होवे ता उसकी मदद करना सारे जीआं दा फर्ज बन जांदा है ना। ते असी अपनी छोटी भैन महर ते तुहाडी मदद करना चाहंदे हां गुरु दे दसवन द्वारा। कृपा करके इस सेवा नु प्रवान करो बेटा जी।
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਾਂਗਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣਾ। अरे यार ये मेहर कब आएगी? शी इज अ विजिबल आफ्टर ऑल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपका ही वेट हो रहा था। ओ कितने रहेगी थी? बैक टू बैक मीटिंग्स। गर्ल्स सैलरी आ गई। ओ वाओ। अरे मेहर एक मिनट। हाँ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हां जी वीर जी तुसी कह रहे सी ना किसी सिख बच्चे नु पढ़ाई लई मदद चाहिदी है। हां जी मैं उसने तुम्हारा नंबर दिता है। शी मैं कॉल यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसका नाम अमरजीत कौर। ओके अमरजीत आई विल सी टू इट। थैंक यू। क्या हुआ? एक मिनट है मुझे कॉल आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ जी कौन? मेहर दीदी। हाँ जी दीदी मैं अमरजीत। अमरजीत हाँ जी वीर जी नाल हुणे तुहाडे बारे गल हो रही सी। तुसी कम कर सकते हो कि तुसी मैनू अज शामी गुरुद्वारा से विखे मिल सकते हो निशान साहब दे कोल। ओके ओके। हाँ जी ओके ओके ठीक है। मेहर यार तू कब सुधरेगी? अभी अकाउंट में सैलरी आ गया और अभी तू लग गई समाज सेवा में। श्योर ना यार ये कौन सी नई बात है, इसका तो हर महीने का है। ठीक है यू कैरी ऑन एक्सक्यूज मी। शायद तुमने मेहर को अभी तक समझा ही नहीं। वो अपनी आदत कैसे बदल सकती है जो उसने बचपन में सीखी थी? मतलब गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करना, उनकी फीस भरना। किसी ने बचपन में उसकी मदद की थी और वो आज दूसरों की मदद करती है अपने गुरु के दसवन से। दसवन? दसवन मतलब अपनी कमाई का दसवां हिस्सा। ओ मतलब अभी जिसका फोन आया था अमरजीत उनको पढ़ाई में हेल्प कर रही है। यार हमने वहीं को कितना मजाक में ले लिया, हमें उसके बचपन के बारे में नहीं पता था। सॉरी। गुरु साहिब जी जो भी सेवा करानी है तुसी आप करानी है, मेरे च समर्था नहीं है। अमरजीत। मेहर दीदी। हाँ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अगे जाके बहुत मौके आएंगे लोड़वंदा की मदद करने के, बस उस वेले पीछे ना हटना। थैंक यू दीदी मैं आप जी नु जल्दी रिटर्न कर दूंगी। सुनो एहो जे बहुत मौके मिलेंगे लोड़वंदी मदद करन ले, बस उदो पीछे ना हटना ते गुरु साहब ते हमेशा भरोसा रखना। हां जी बड़े कटने दुनिया अंदर लोग एहो जे जो दूजियां ले ही जी लैंदे, सारियां नु दिंदे ठंडी छां, आप तपदी होई तुप्पी जर लैंदे, मैनू भी बख्शियो सेवा एहो जी, दुनिया विच सेव कमा जावा, जिया मैं भी हुण दूजियां ले पंच सेवा विच कुछ हिस्सा पा जावा, जे लोड होवे किसे नू मेरी मेरे मुंह चो कदे ना ना होवे, दसवंद उसे दा नाम होवे, दसवंद एहो जी रा होवे। चलो
अपन सारे देखते हाँ कि गुरु साहिब और सिख सिद्धांत दसवंद बारे सानू की सिक्ख्या देंदे हन। दस नव कर जो कार कमावे ता कर जो तन कर मैं आवे तिस ते गुर दसवंद जो देई सिंह सुयस वो जग में ले आप सिंह जो राजा होई निर्तन सिंगन पाले सोई काल खाए किच हथों दे नानक राह पछाणे सी।